डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सो टुडेज टॉपिक इज स्टोक्स लॉ। सो वी आर डिस्कसिंग फ्लूइड डायनेमिक्स। इससे पहले हमने बात की थी विस्कोसिटी की, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। तो क्या है स्टोक्स लॉ, ये आप इस तरह से समझ लेंगे। लेट अस कंसीडर ए विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड, ठीक है। विस्कस लिक्विड मींस ए लिक्विड विच हैज विस्कोसिटी, दैट इज फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी, ठीक है। तो इस विस्कस लिक्विड में हम ड्रॉप कर लेंगे ए बॉडी विच इज स्फेरिकल इन शेप। सो इसमें से हम ड्रॉप कर लेंगे स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी इज ड्रॉप्ड थ्रू द विस्कस फ्लूइड। मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में विस्कस लिक्विड आपका है। इस लिक्विड में हम ड्रॉप कर लेंगे स्फेरिकल बॉडी। सो व्हाट विल हैपन, द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, लेयर्स ऑफ द लिक्विड विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, ठीक है। मान लीजिए जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड है इन कंटेक्ट होंगे विद द स्फेरिकल बॉडी विच ड्रॉप्स थ्रू इट, क्या होगा, ये स्फेरिकल बॉडी विल ड्रैग देम अलोंग विद, तो ये बॉडी इनको ड्रैग कर लेगी, ठीक है। द लेयर्स ऑफ द लिक्विड विच विल कम इन टू द कंटेक्ट ऑफ दे आर ड्रैग्ड अलोंग विद। तो इस तरह से इन लेयर्स में एक मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड है, लेयर्स ऑफ लिक्विड विच आर एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल, ठीक है, दे विल रिमेन एट रेस्ट। तो इस तरह आप समझ लेंगे ये है लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट, ये है लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट, या जो लिक्विड इसके नीचे आ जाएगा दैट विल बी ड्रैग्ड डाउनवर्ड्स। लेकिन जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड एट ए लार्ज डिस्टेंस दे विल रिमेन एट अरेस्ट, ठीक है। सिटल ये लिक्विड है इन ए कंटेनर, इसमें से हमने स्फेरिकल बॉडी ड्रॉप कर ली, कुछ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट आ जाएंगे और कुछ अवे रह जाएंगे। द लेयर्स विच आर अवे फ्रॉम द स्फेरिकल बॉडी दे विल रिमेन एट रेस्ट, बट द लेयर्स दे विल बी ड्रैग्ड डाउनवर्ड्स, सो देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन ऑफ द लेयर्स, ठीक है। तो जब रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा इन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, जाहिर सी बात है आप जानते हो एक अपोजिंग फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा। सो देयर विल कम इन टू प्ले ए विस्कस फोर्स और एन अपोजिंग फोर्स, ठीक। The opposing force which opposes the motion of the liquid layers. So a force will come into play. Force will come into play. That will be an opposing force. ठीक है? Opposing force which will oppose the motion of the body. That means this force will be in upward direction. अगर बॉडी ड्रॉप हो जाती है डाउनवर्ड्स तो एफ वो फोर्स होगा दैट विल कम इनटू द प्ले बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड
व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन. एक फोर्स इस पे होगा, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, दैट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. सो द वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो हमने लिक्विड में से स्फेरिकल बॉडी बॉडी ड्रॉप कर दी. द लेयर्स विच आर इन कंटेक्ट विद दिस बॉडी दे विल कम दे विल बी ड्रैग डाउनवर्ड्स, एंड द लेयर्स विच आर अवे फ्रॉम द बॉल दे विल सेटल रिमेन एट रेस्ट. सो दे आर द रिलेटिव मोशन. जब इन लेयर्स में रिलेटिव मोशन होगा तो एक अपवर्ड अपोजिंग फोर्स विल कम इन टू द प्ले. ठीक है, सो वॉट विल हैपन, दिस फोर्स विल इंक्रीज. दिस फोर्स विल इंक्रीज. कौन सा फोर्स? ये अपवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी, विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी. तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये अपवर्ड ड्रैगिंग फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा. बट एसिटेज विल कम. इट इज फाउंड, इट इज फाउंड दैट आफ्टर अटेनिंग ए सर्टन वेलोसिटी, आफ्टर अटेनिंग ए सर्टन वेलोसिटी, तो जितना भी बॉडी नीचे आ जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर अटेनिंग ए सर्टन वेलोसिटी क्या होगा? द फोर्सेज विल बी बैलेंस्ड, फोर्सेज विल बी बैलेंस्ड. ठीक है, एक और फोर्स भी जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट, क्योंकि फ्लूइड का अप थ्रस्ट भी होता है. वो फोर्स भी एक्चुअल में अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है, तो एक्चुअल में तीन फोर्सेज यहाँ पे होंगे. वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड्स होगा, विस्कस बॉडी नीचे आ रही है तो विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो लिक्विड का अपना अप थ्रस्ट जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो क्या होगा, जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन होगी, ठीक, तो ये फोर्सेस, द फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड. एक स्टेज पे ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे. जब बॉडी मूव होगी अंडर द एक्शन ऑफ द बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, तब तो वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, velocity of the body will remain constant. ठीक है, पहले इंक्रीज हो जाएगी, एक स्टेज पे ये मैक्सिमम होगी, उसके बाद जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी. तो इस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, सो मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद विच द बॉडी ड्रॉप्स, तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. ये वेलोसिटी उस वक्त बॉडी की होगी जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, और उसके बाद ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज राइट टर्मिनल वेलोसिटी. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सप्रेशन भी डिराइव कर लेंगे. सो स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ इज द विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग. विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी. इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये विस्कस फोर्स डिपेंड कर लेता है? ठीक है, क्योंकि आपने देखा जब बॉडी ड्रॉप हो जाती है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर लेता है. नंबर वन, सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा, दैट इज कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी. यानी इस लिक्विड का, जो हमने लिक्विड कंसिडर किया है, इसका कोफिशेंट क्या होगा उस पर डिपेंड करता है.
किसी लिक्विड की ज्यादा होगी विस्कोसिटी, किसी लिक्विड की कम होगी विस्कोसिटी, सो कोफिशेंट भी डिफरेंट होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, नंबर वन. नंबर सेकेंड, जो ये फोर्स है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी दैट इज इक्वल टू रेडियस, राइट. तो एक है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड और दूसरा है रेडियस ऑफ द बॉडी. एंड थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है. तो इन तीन फैक्टर्स पे ये विस्कस फोर्स डिपेंड कर लेता है एंड इन ऑल केसेस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो वी कैन राइट इट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा वी आर, ठीक है. Directly proportional to the coefficient of viscosity, directly proportional to the terminal velocity, and directly proportional to the radius of the spherical body. तो अगर हम proportionality यहाँ पे खत्म कर लेंगे, so F is proportional to K, neta V or where, sorry, F is equal to where K is coefficient of viscosity, where K is the constant proportionality. Neta is the coefficient of viscosity. V is the terminal velocity and R is radius. ठीक है. तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये velocity तब attain होगी जब ये forces balance हो जाएंगे. Upward direction में दो forces हैं, downward direction में एक force है. जब ये balance हो जाएगी उसके बाद ये body continue कर लेगी with a velocity. That is constant velocity और वो इसकी maximum velocity भी हो सकती है, ठीक है. Now k का value calculated है f is equal to that is 6 by neta vr, ठीक है. तो इस expression को हम कहते हैं this is known as Stokes law, ठीक है. So Stokes law means the viscous drag acting on a body which is moving through a viscous fluid is directly proportional to the coefficient of viscosity, terminal velocity and radius. तो अगर हम इस law को prove कर लेंगे, इसके लिए हमारे पास method है that is known as dimensional analysis. So this can be proved. This can be proved using dimensional analysis. ठीक है, किस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस. तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं. मेथड आपने अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है. सो हियर फोर्स डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स. फोर्स डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स. वन इज नीटा, सेकेंड वन इज टर्मिनल वेलोसिटी एंड थर्ड इज दैट इज रेडियस. तो मेथड आप जानते हो, तो हम पहले लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी हमारा फोर्स है, ठीक. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, एक है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, चलो एफ लिख लेते हैं. सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू नीटा रेज्ड टू पावर ए, वेयर ए डायमेंशंस होंगे नीटा के. एंड उसके बाद आपका है वी रेज़ टू पावर बी, और उसके बाद है आर रेज़ टू पावर सी. तो इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू के नीटा रेज़ टू पावर ए, वी रेज़ टू पावर बी, आर रेज़ टू पावर सी, ठीक है. नाउ यहाँ पे के जो आपका है इट इज अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, सॉरी के डी लेस कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो अब हमें क्या करना होगा, इसके भी डायमेंशंस लिखने होंगे, इसके भी डायमेंशंस लिखने होंगे, और इसके भी, सॉरी ये डायमेंशन लेस है, इसके डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस. सो राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स. फोर्स के डायमेंशंस चाहे क्या भी फोर्स हो, लेकिन इसका डायमेंशन होता है एम वन एल वन टी रेज टू पावर माइनस टू, ठीक है. एम वन एल वन टी रेज टू पावर माइनस टू. इसके बाद हम नीटा के डायमेंशंस लिख लेते हैं. नीटा आप जानते हो ये एफ होता है नीटा
ए डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, नीटा के डायमेंशंस हैं एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। एफ के हैं एम वन एल वन डी माइनस टू डिवाइडेड बाई, ए के एल टू हैं, वेलोसिटी के एल टी माइनस वन है, और इस तरह से डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई एल रेज टू पावर माइनस वन, ठीक है। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, एल माइनस वन इधर लाएंगे, फोर्स क्या है हमारे एम वन एल वन टी रेज टू पावर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एल के बदले में वन है, यहाँ एल माइनस वन है, यहाँ एल टू है, दो में से एक निकालेंगे तो एल वन होगा, तो एल वन और एल वन तो इस तरह से, सॉरी एल टू एल एंड एल माइनस वन, राइट। एक एल और एक एल कैंसिल हो जाएगा, दो में से एक निकालो तो एल वन, ऊपर जाके एल माइनस वन, फिर से देखो एल वन और एल वन कैंसिल हो जाएगा, दो में से एक निकालो तो एल वन होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो एल माइनस वन, सो इट विल बी के को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हम लेंगे एम रेज टू पावर वन, यहाँ पे एक ही एम है उसका पावर वन है, ठीक है। एल वन और एल वन कैंसिल हो जाएगा तो ये एल रेज टू पावर माइनस वन होगा, और टी रेज टू पावर माइनस टू होगा, होल रेज टू पावर ए होगा, ठीक है। इसके बाद हम वेलोसिटी का कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी आप जानते हो एल टी माइनस वन है, एल वन टी माइनस वन, तो यहाँ पे इसके इसके डायमेंशन हमने बी रखे हैं, और रेडियस है दैट इज डिस्टेंस, सो वी विल गेट हियर एल वन रेज टू पावर सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से एम वन एल वन टी रेज टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू, एम एक ही जगह पे है, पावर इसका ए है, ए मल्टीप्लाइड बाय वन इज ए, तो ये एम रेज टू पावर ए, ठीक। यहाँ पे आपका होगा एल रेज टू पावर माइनस वन, और यहाँ पे ए है दैट इज माइनस ए, ठीक, और यहाँ पे वन है और यहाँ पे पावर इसका बी है, बी इंटू वन दैट इज प्लस बी, बेसिस आर सेम पावर साइडेड, तो इसके बाद है सी इंटू वन दैट इज इक्वल टू प्लस सी, ये एल के डायमेंशन है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे टी के डायमेंशन होंगे, यहाँ पे माइनस टू ए होगा, माइनस टू ए, यहाँ पे माइनस बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके डायमेंशन बन जाते हैं। हाँ, अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इक्वेट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक। एम के डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, इस तरह से हम इनको इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। जब हम इनको इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ पे एम का डायमेंशन वन है और यहाँ पे एम का डायमेंशन ए है, सो वी विल गेट हियर, सो इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स वी गेट ए इज इक्वल टू वन, तो ए का वैल्यू हमें पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे एल के डायमेंशन वन है, यहाँ पे डायमेंशन ये है, सो वी विल राइट हियर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। एक और इक्वेशन बन जाती है, यहाँ पे माइनस टू और यहाँ पे माइनस टू माइनस बी, सो माइनस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह से इन इक्वेशंस में हमें ए का बी का और सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ए का वैल्यू हम जानते हैं, बी का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो ए का वैल्यू यूज़ करके ये माइनस टू इंटू वन होगा, माइनस बी होगा, माइनस टू होगा, ठीक है। टू इंटू वन टू होगा, सो टू को ट्रांसफर कर लीजिए, सो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, राइट, माइनस टू, और ये माइनस टू यहाँ पे है, ये प्लस टू होगा, जस्ट ए मिनट, ये माइनस टू है एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू होना नहीं होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए, एक मिनट फिर से कर लेंगे। नीटा होता है एफ डिवाइडेड बाय ए डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है।
यह है फोर्स का एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय ए के बदले में एल टू, वेलोसिटी के बदले में हम यहाँ पे लेंगे एल वन टी माइनस वन, और ये इसके बाद डी एक्स एल माइनस वन, डी एक्स डिनोमिनेटर में है, ये एल वन और एल वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टू दो में से एक निकालो, सो इट इज़ एम वन एल माइनस वन, हाँ यहाँ पे टी माइनस वन टी माइनस टू दैट विल बिकम टी माइनस वन, तो यहाँ पे हमने गलती की है, सो इट विल बी टी माइनस वन, राइट। टी माइनस वन जब होगा तो यहाँ पे माइनस टू ए नहीं होगा, यहाँ पे माइनस ए होगा, माइनस ए, जब यहाँ पे माइनस ए होगा तो यहाँ पे भी हम टू कैंसिल कर लेंगे, सो यहाँ पे आप माइनस वन डाल सकते हैं, माइनस वन में से यहाँ पे ये प्लस वन होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हमने की जो मैंने यहाँ पे इसको रेक्टिफाई किया, ठीक। सो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू वन, तो इस तरह हमने बी का भी वैल्यू कैलकुलेट किया। अब ए का भी वैल्यू जानते हैं, बी का भी वैल्यू जानते हैं, अब हम सी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ये माइनस वन होगा, ये प्लस वन होगा, ये प्लस सी होगा, ये वन होगा, ठीक। माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो होगा, सो वी विल गेट हियर सी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो अब हम जानते हैं ए का भी वैल्यू जानते हैं, बी का भी वैल्यू जानते हैं और सी का भी वैल्यू जानते हैं। तो हमारा जो लॉ है दैट इज इक्वल टू के नीटा रेज टू पावर ए, ठीक, वी रेज टू पावर बी, और यहाँ पे आर रेज टू पावर सी, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू यहाँ पे के होगा, नीटा रेज टू पावर वन होगा क्योंकि ए का वैल्यू वन है, वी रेज टू पावर वन है, बी का भी वैल्यू वन है, आर रेज टू पावर वन क्योंकि सी का भी वैल्यू वन है, सो वी विल गेट हियर के नीटा वी आर। लेकिन के का वैल्यू ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सो इट इज़ इक्वल टू सिक्स बाई सिक्स, और कोई मेथड इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, सो एफ इज इक्वल टू सिक्स बाई नीटा वी आर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था जिसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, तो इसको हमने प्रूव किया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जो इसकी एक्चुअल रिलेशन है, जिस तरह से हम इसकी मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, वो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, दैट विल बी इन प्रूव्ड इन हायर क्लासेस, ठीक है। तो इसमें हमने एक वेलोसिटी की बात की है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, और जब ये तीनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद ये बॉडी ड्रॉप होगी विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, तो वो हम उसके लिए कल एक्सप्रेशन नहीं कल क्या नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।